नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल का जो एआरओ का एग्ज़ाम हुआ था और उसकी आंसर की आ चुकी है। ठीक है, तो आप सभी लोग आंसर की से चेक कर लीजिए और जितने भी लोगों के मेरे पास रिव्यू आए हैं जो एआरओ का एग्ज़ाम हुआ था और जो आंसर की आने के बाद हुए हैं, तो हिंदी के अंदर जो है लोग काफ़ी गलत हुए हैं और साथ में कंप्यूटर तो कई लोगों का पास होना मुश्किल पड़ गया है। वहाँ पर वो जो 200 में से हैं, 200 में से कई लड़के ऐसे हैं जो 140 नंबर तक लाए हैं मगर कंप्यूटर के अंदर 12 नंबर रह गए, 15 नंबर रह गए या फिर किसी का 19 नंबर रह गए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों कि कंप्यूटर की वजह से काफ़ी मेरिट पर फ़र्क पड़ने वाला है। तो मैं सभी से ये कहूँगा कि अगर जनरल के अंदर आप हैं और आपके 60% नंबर आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आप हिंदी टाइपिंग करते रहें। ठीक है, और हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड जो है मैं वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको डालता रहूँगा। इंग्लिश का मैं डाल चुका हूँ, अब मैं जल्दी हिंदी का भी इसमें डालूंगा। ठीक है, और जो अदर कैटेगरी हैं जैसे ओबीसी एससी एसटी, इसमें भी जो है वो कट ऑफ नीचे जाएगा। आप कहेंगे वैकेंसी तो कम है, दोस्तों वैकेंसी भले ही कम है मगर आप यकीन मानिए कंप्यूटर में इतना ज़्यादा बच्चा फेल हुआ है जिसकी वजह से इसके कट ऑफ पे काफ़ी फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, बहुत कम भी नहीं जाएगी, ऐसा भी नहीं होता है कि 200 में से 60 नंबर चले जाए, 70 नंबर चले जाए। हाँ, 60% मैं कह रहा हूँ, जनरल की अगर आप नंबर 60% ला रहे हैं तो आपके आने के चांसेस 99% है। 1% तो कोई नहीं कह सकता, 100% नहीं कहूँगा मैं, मगर 99% चांस है आपके। प्लस 5 कर लीजिए इसके अंदर और माइनस 5 भी हो सकता है ना। तो 60% यानी कि 200 में से जो है आपके 120 नंबर के लगभग अगर आ रहे हैं। और कैटेगरी में अगर आप ओबीसी के हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 110 से लेके 115 के बीच में, और अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो 105 से लेकर 110 के बीच में, और जो एसटी कैटेगरी है वो आप कर सकते हैं 95 से लेकर 105, है ना, इसके बीच में रहने वाली है, 95 तक भी आ जाएगी, बल्कि हो सकता है एसटी की थोड़ी और भी कम चली जाए। ठीक है, तो यही वीडियो था। और हाँ देखिए दोस्तों, जो आंसर की का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपको अगर लिंक ना मिला हो तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और जिसके जो भी नंबर हैं वो प्लीज़ शेयर करें, अपने नंबर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर कुछ मुझे लगता है कि कई लोग हैं जिनके बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो मैं इसको रिवाइज करके जरूर बनाऊंगा, मगर अभी तक मेरे पास जो 20-25 लोगों से बात हुई है उन सब के जो है कंप्यूटर के अंदर हालत खस्ता मिली है, कई लोग तो फेल हो गए हैं, कई लोगों के हिंदी में नंबर कम है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।